आज आपको यह भी बताना होगा कि दिव्या भारती के साथ क्या हुआ, जिया खान के साथ क्या हुआ, श्रीदेवी के साथ क्या हुआ, क्या इन सबकी मौत सामान्य थी? आज किसी बड़े स्टार की बेटी 14वीं मंजिल से गिरी होती तब आप इसी तरह चुप रहती क्या? शान केस होने के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती पहुंच गई दुबई। दुबई पहुंचने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, पर वो खबर बताने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर खबरें निकल के आ रही हैं जब से वो दुबई गई हैं, दावा किया जा रहा था कि दुबई वो इसलिए गई है क्योंकि वो एक पेट कंपनी के साथ जुड़ी है, जो पेट फूड कंपनी है, उस कंपनी के साथ जुड़ गई हुई है रिया चक्रवर्ती और वो ब्रांड वेस्टर्न है उस कंपनी की। पर जब कहा जा रहा है कि सीबीआई के वकील ने दावा करा कि रिया झूठ बोल रही है, वो उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ी है, उस कंपनी के साथ तो कियारा आडवाणी जुड़ी है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, उसके बाद सवाल कई सारे उठे। पर अंत में कहा जा रहा है कि जब से रिया चक्रवर्ती के वकील अभिनव चंद्रचूर बने हैं उसके बाद से कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की हौसले और बुलंद थे और रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की परमिशन कोर्ट की तरफ से मिल जाती है। उनके ऊपर जो LOC जारी किया गया था, लुकआउट सर्कुलर, वो सस्पेंड भी कर दिया जाता है लगभग 6 दिन के लिए, और उसी के बीच रिया चक्रवर्ती को 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए दुबई जाने की परमिशन मिल जाती है। बाद में उनकी जिस इवेंट में वो गई थी उस इवेंट से कई सारी फोटोज निकल के आई, पर उसी के साथ कहा जा रहा है कि अब 1 जनवरी को रिया चक्रवर्ती ने दुबई में जाते ही भगवान के दर्शन कर लिए हैं और 2024 के लिए ब्लेसिंग्स भी ले ली हैं। आपको बता दिया जाए राम मंदिर में वो गई हैं 1 जनवरी 2024 को, और दुबई में ये मंदिर है जहां पर वो पहुंची हैं, जहां पर जाके उन्होंने आशीर्वाद लिया ताकि उनका 2024 अच्छा बीते, क्योंकि 24 में बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। जिस प्रकार सुशांत मामला हो, दिशा मामला हो, ये मामले चल रहे हैं, साथ में ड्रग्स वाले मामले हो, कई सारे मामले जिनको लेकर रिया के ऊपर कई सारे खतरे मंडराते रहते हैं, तो देखने वाला विषय है कि 24 में क्या इन सारे मामलों से रिया को मिल जाएगी मुक्ति, या फिर इन सारे मामलों में रिया फंसती हुई नजर आएंगी, क्या लगता है आपको? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप बताइए अपनी राय, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल जो बॉलीवुड गुप्त न्यूज से है, यूट्यूब का, फेसबुक का सागर भल्ला और इंस्टाग्राम का IAM Sagar Bhalla 18, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।